गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग में एक्चुअली 31 डेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं और हम ये अभी वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं व्लॉग। ये पीछे जरूर आएगी हाँ। अभी उठ के आई हूँ। मम्मी आज सुबह सुबह हमें आपको पता मैं कंप्लीट हो गए चैनल फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं व्लॉग तो बोलो फिर से कंटिन्यू कर रहे हो। हाँ क्या हो गया, हमने कुछ बोल क्यों नहीं दिया आज, क्या हुआ? हैप्पी टीच। आ ये क्या था? हमें लगा आपने मौन व्रत रख लिया आज का। मैं और मौन व्रत और अभी भी कॉल पे हूँ नहीं ना, जिससे कॉल लगा रही हद करती यार, बताओ लोग बाग किसी को कुछ चीज़ विश करने के लिए फ़ोन करो तो भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, फिर बोलते हैं कि तुमने हमें विश नहीं करा। देख लो जी तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ उठा नहीं रही हो, मेरी कोई गलती नहीं है। और गाइस वीडियो अपलोडिंग पे ही है और हो जाएगी बस अपलोड थोड़ी देर में। हाँ वो अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। अरे यार सब लोग प्रेयर करो ना मेरी सिस्टर के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर में आपको दायित्व क्या है वो ना, शी इज़ प्रेगनेंट, एक मंथ इज रनिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ में, मतलब हैंडल भी हो जाएगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा प्रेयर करो कि सब ठीक हो जाए, बेबी आ जाए जल्दी से। उसके बाद लोग से बड़ा मजा आएगा। का वेट है और क्या, मतलब आप ही मान के चलो हमारा पूरा फोकस अभी फिलहाल बेबी के ऊपर ही है और मैं बेबी का बेटा बस जाओ मैं बात कर लूंगा जाओ। मम्मी का कॉल आ गया। हेलो हैप्पी बीच लो देखो लो देखो। हेलो अभी भी मुझे ब्लॉगिंग में दिखा रहे, लेकिन मम्मी अपनी फ्रेंड का से कर रही है। तो गाइस अभी ये न्यू बैंगल है ये। अब तो गाइस मैंने अभी फ्लेक्स वगैरह खा लिए है और मम्मी को चाय भी दे दी है। मम्मा आप देखो और हमारी वीडियो अपलोड हो गई है, मम्मी हमारी वीडियो देख रही है। हाँ कोई वो तो देखता ही नहीं, मैं देख रही हूँ। कोई और नहीं देखता तो आप भी देख लो मम्मी के न्यू बैंगल। हाँ ये कलर देखो गाइस, मैं जितनी बुरे तरीके से अपने नेल सड़ा सकती थी मैंने सड़ा ली। दिख भी ना लाइट जला ना। अच्छा दिख भी नहीं तो रहने दे, मत दिख रहे तो रहने दे, मत दिखा। क्यों? हाँ रहने दे, नहीं दिख रहे तो ऐसे ठीक है बस। दिखा रहने दे बस, दिख रहे ना तो रहने दे बस। ये देखो गाइस इन्होंने मेरे सारे नेल पेंट सुखा दिए, जितनी बुरी तरीके से मैं अपने नेल सड़ा सकती थी मैंने वो सड़ा लिए है। इतने सारे नेम्स जो इन्होंने मेरी बुरी तरह से सुखा दिए, फिर बोलते लोकल है लोकल है, तो लोकल ही तो है। अभी बताओ मैं अगर ब्रांडेड ले भी आऊँ तो ये तो खराब कर देंगे, तो लोकल लाने में फायदा है ना, दो तीन बार लगाओ बार बार उतारने पड़ते हैं, लोकल अपने आप ही हट जाते हैं, रिमूवर भी बच जाता है हमारा फिर। तो ये मुझे आज लगाना था, मैंने लगा लिए पर ये तो मेरे सड़ गए बहुत ही बुरे वाले, लेकिन ऐसा लग रहा सूख जाएंगे, इससे मैंने नील आर्ट करवा के आई हूँ मैं, ऊपर ऊपर खबड़ सा ऊपर खबड़ सा नील पेंट दिखा मैं तंदे पास से, बहुत ही बुरा लग रहा दूर से। तो मेरे कह दो पनीर का चिकन कंगन। हाँ मैं अभी अपने कपड़े चेंज करूंगी, मैं दूसरा सूट पहनूंगी, ये मैं सोच रहा कि तीज है तो ये कपड़े पहन के बैठ गई है। नहीं मैं साड़ी पहनूंगी साड़ी। चुप रह। हाँ साड़ी गाइस। तो मैं भी दूसरे कपड़े चेंज भी करूंगी खुल जा, और लेकिन अभी मैं कर नहीं रही क्योंकि मुझे ना कपड़े थोड़ा रिलैक्स सा मिलता है, लेकिन पहनने तो मैं दूसरे कपड़े पहनूंगी मैं। साड़ी पहनना है ना। चुप रह साड़ी। नहीं जब भी ओपन करो इनका तो यही रहता है। ठीक है पीयू जाओ नीचे मुझे जाके पनीर का पैकेट ला के दे दो। यप भाई आज तीज है और तीज पे ना, अरे मेरा मुंह तो दिखा दे मुझे ये दिखाती बस, ये तो सोचती है कि मैं बात ही ना करूं बस आप लोगों से। अच्छा ठीक है कर लो कर लो कर लो कर लो, क्या कर लो बस, अब तो मेरा मूड खराब हो गया, चल मैं फिर भी कर लेती हूं। आज ना गाइस तीज है और तीज पे ना वो खाना बनता है ना पूरियां वगैरह बनती हैं, सबके यहाँ बनती होंगी आपके यहाँ भी, हम कौन सा एलियन थोड़े, हमारे यहाँ नहीं बनती, हमारे यहाँ बनती हैं। ठीक है तो अभी हम तीनों ही हैं और कोई है नहीं, तो हम सोच रहे हैं क्या बनाएं, कल भी हमने छोले भटूरे खाए थे बुरी तरीके से गिर गए हमारे, तो यार बड़ी हमें बड़ी बस
सोच के लाई थी यार छोले बच जाएंगे, रात को चावल बना दूंगी इन लोगों के लिए और लोग, पर हमारे तो छोले बिखर गए, हमारे तो किस्मत पे छोले छोले बिखर गए हमारे मम्मी के मेहंदी देखो किसी के सपनों पे पानी फिरता है, हमारे तो सपनों पे छोले बिखर गए हमारे सपने पे छोले छोले हो गए। मम्मी की मेहंदी देखो आप। हाँ ये मेरी मेहंदी देखो, कितनी सुंदर डिजाइन है ना, बताओ किसी को बनाना आता है वाला डिजाइन, बहुत मेहनत लगती है डिजाइन को बनाने में पता है, और तब भी मेरा गोल नहीं बना देखो। तो मैंने बनाया, मेरी पूरी उंगली देख लो। हाँ दिखा। हाँ ये देखो, एक भी गोल नहीं है, इतना मुश्किल डिजाइन होता है ये बनाना। देखा गाइस, हम कब कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं गोल बनाने की, पर हमारे गोल नहीं बन रहा, कोई तरीका बताओ कि गोल कैसे बनेगा ये। घटिया मेहंदी, ठीक है ना गाइस देख लो, ये बहुत सबसे महंगा सबसे महंगी सबसे मुश्किल डिजाइन होता है ये बनाना, इसको बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है इंसान को, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि उसको जिसने रेखा गणित पढ़ी होगी ना वही बना सकता है। अब वो क्या होती है वो तुम लोगों को समझ में नहीं आता, वो मेरी एज वाले समझ गए होंगे जो हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे। हिंदी मीडियम हमारे जब हम पढ़ते थे ना, तीन तरह के मैथ होते थे, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित। बीज? अब मैं भी खुद भूल गई उसमें क्या क्या था, लेकिन थे तीन तीन होते थे। तो गाइस मैं मेहंदी बनाई थी लेकिन मेहंदी में से बनी नहीं, वजह क्या है मुझे खुद नहीं पता वजह क्या है। दीदी अभी नहाने गई है और मैं अपनी मुंडी नहीं काटती थी मैं नहीं काटती अपनी मुंडी। दीदी अभी नहाने गई है और मैंने अपने बाल सूट, और मैं अपने कल वाले सूट में मैं अपना कल वाला सूट ही पहनूंगी, क्योंकि तो कल मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए पहना था, मेरी पूरी प्रेस खराब होगी सूट की, तो मैं उसको आज यूज़ करूँगी, कि मुझे एक जगह जाना है, अभी चीनू आ रही है, अभी हम एक जगह जाना है, ठीक है। लेकिन गाइस अब वो ऊपर ज़रूर आएंगी, कोई देखो डिपेंड करता है प्रशांत के ऊपर, वो एक्चुअली क्या है ना, प्रशांत का ऑफिस होता है 3:30-4 बजे के आसपास होता है, तो अगर थोड़ा फ्री होगा जल्दी तो प्रशांत ऊपर आएंगे, अगर मतलब हमें थोड़ा लेट हुआ वहाँ पे टाइम लग गया तो नहीं आ पाएंगे, और चलो कोई बात नहीं, मैं लेकिन मैं अपने फ़ोन से शूट करूँगी और मैं मिलवा दूँगी आपको, लेकिन ट्राई करना कि वो ऊपर आ जाए। ट्राई मैं ज़रूर करूँगी कि वो ऊपर आ जाए, बट कन्फर्म नहीं है, और मैं अपने फ़ोन से शूट करके आपको जरूर मिलवा दूँगी, ठीक है। अगर ऊपर आ गई तो देखिए फ़ोन से तो हो गई हाँ, वरना तो मैं अपने फ़ोन से शूट कर लूँगी, मैं उन्हें फ़ोन कर। हे गाइस वेलकम, मैं वैसे वेलकम कह रही हूँ, वैसे जो भी हो, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मतलब मैं नहा के आ गई हूँ, और यहाँ पे खाना भी है, ये अब यहाँ पे है पनीर भुर्जी, ये यहाँ पे है कोफ्ते, और यहाँ पे पूरी। ये अब अभी मम्मी नहीं है घर पर, मम्मा गई है डॉक्टर के पास चीनू मौसी के साथ, तो अभी उनको आने में लगे कम से कम 1 आवर, तो इतने में खाना वाना खा रही थी, और अभी टाइम हो रहा है 1:30, लेट्स गो। तो गाइस yep. yep. तो अभी मतलब मम्मी गई थी मौसी के साथ डॉक्टर के पास, तो वो यहाँ भी आ गई घर पे, यस वाओ, यही हमें चाहिए था, हमें लगा मौसी आई नहीं, बैठी हैं, चले मिलने फिर आयो चलो। गाइस अब हमारी यहाँ मौसी आ गई है, हाय, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, सब बच्चे मुझे बहुत याद कर रहे थे, आओ अंडा इधर फेस दिखा दो अपना, आओ, ये रही मेरी क्यूट सी नोनू पाई, और ये मेरी प्रिंसेस, ओके, और ये मेरे हस्बैंड इनकी मौसा जी, वर्ल्ड फेमस मौसा जी, एंड ये मेरी सिस्टर, इनको तो आप जानते ही होंगे, हेलो गाइस खाना खा के जाना, हेलो गाइस आज तो पनीर बना है, पनीर खा के जाना। बेबी कब तक आ रहा है? बेबी मौसा जी के अकॉर्डिंग तो 3 हफ्ते में आ जाएगा, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग 1 महीने में आ जाएगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो अभी 1.5 महीने में आना चाहिए, इसलिए वेट करते हैं, जैसे ही आ जाएगा आपको दिखा दिया जाएगा, बाय। तो गाइस अभी मम्मी का मूड बहुत सही हो गया है, हाँ क्यों हुआ है बताओ? बर्फी मिल गया। बर्फी? देखो गाइस हमारे यहाँ ना सोसाइटी में ना तीज का वो आया है, ये बर्फी का डब्बा है, ये एक बिंदी का पत्ता आया है, और सही बताऊँ ना कि उल्टा क्यों बंद कर रखा है, ऐसे बंद करना चाहिए था ना, अच्छा खोल के दिया था। अच्छा उस गाय से एक बार बताऊँ ना, बहुत टेस्टी बर्फी है सही में, मैं तो पूछने वाली थी भैया कहाँ से लाए तुम ये बर्फी।